ओके, तो ये एक और बॉक्स आ गया बिग बिलियन डेज में, और ये भी आ गए, ये शाहरुख खान के घर गए हुए थे कल, क्योंकि बर्थडे था बेटे का। खैर वो सब नहीं बोलना चाहिए, देखते हैं क्या है इसमें। गेस करने की तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि टाइटल में देख ही लिया होगी, और आज बॉक्स से क्या कुछ जादूगर निकलेगा या नहीं। उल्टा निकल गया, मूड खराब हो गया मेरा। ठीक है, ये है डीजो बर्ड्स जी, रियलमी टेक लाइफ। ये सामने बर्ड्स की पिक्स है, ये एयरपॉड्स स्टाइल है, स्टेम स्टाइल और एंगल्ड बर्ड्स हैं। इस तरफ फीचर्स दिए हुए हैं, 10 मिलीमीटर के डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स, 16 आवर्स की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, 37 ग्राम, 3.7 ग्राम लाइट एंड ट्रेंडी। 3.7 ग्राम बहुत हल्का हो गया, 4 ग्राम्स के ईयरबड्स पहले आते थे, वो डॉट में ले गए इसको और कम दिखाने के लिए। 88 मिलीसेकंड की सुपर लो लेटेंसी, गेमिंग कंसोल बना हुआ है, मतलब गेमिंग मोड, ब्लूटूथ 5.0 और इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन फॉर कॉल्स, ENC बोलते हैं। और सब चीज़ की बात करेंगे, पहले और देख लेते हैं बॉक्स में क्या। इधर डीजो रियलमी टेक लाइफ, मॉडल सितंबर 2021, बॉक्स पे प्राइस देख लो 2999, लेकिन प्राइसिंग की भी बात करेंगे। ऑनिक्स कलर बोलते हैं इसको, ऑनिक्स ब्लैक नहीं। किसको पोकेमॉन याद है, याद है तो बताना। ठीक है, बॉक्स में एक डीजो बर्ड्स जी हैं, ईयर टिप्स हैं दो, ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल, एक तो लगा हुआ होगा, यूज़र मैनुअल एक है, एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। बस ये कस्टमर केयर के बारे में, और ये रियलमी लिंक को सपोर्ट करता है। इस वीडियो के बारे में एक चीज़ और नोटिस करना कि ये जो वीडियो है ना, ये रियलमी GT मास्टर एडिशन से शूट हो रही है, वॉयजर ग्रे वेरिएंट जिसका वीडियोस वगैरह डाल रहा था, तो इससे वीडियो क्वालिटी और माइक क्वालिटी पता, इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, इंटरनल माइक से, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओपन कर ले रहे हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये रियलमी वालों की अच्छी नहीं लगती बात, ये ऐसे ही पैकिंग करके देते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और बॉक्स में क्या है, ठीक है, तो बॉक्स में है यूज़र मैनुअल, किसी को ज़रूरत होगी तो पढ़ लेना। देखो फर्स्ट टाइम, आजकल तो बस पिक्टोग्राफिक दिया रहता है, तो फर्स्ट टाइम आप यूज़ करने से पहले एक बार कम से कम पिक्स देख लिया करो, क्योंकि कंट्रोल्स वगैरह ये करने में इजी होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, और ये है टाइप सी केबल। ठीक है, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं इसको खोलते खोलते। ये 1299 की है बिग बिलियन डेज सेल में, लेकिन या तो आप टोटल कार्ट की वैल्यू 5000 करने के बाद कार्ट डिस्काउंट लगाओ, या आप पेटीएम डिस्काउंट लगाओ, पेटीएम पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा डिस्काउंट जो आपको मिल सकता है वो है फ्लिपकार्ट पे लेटर पे। ठीक है, इस पे भी मेंशन है कि ओपन अप चार्जिंग केस टू एंटर पेयरिंग मोड, ठीक है, तो वो करके देखेंगे। हाँ, तो प्राइस की बात कर रहे थे कि इस पे जो बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा वो फ्लिपकार्ट पे लेटर से पे करने पे मिलेगा, क्योंकि उस पे 150 डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट पे लेटर है सर्विस, तो आपको पेमेंट भी बाद में करनी है, 1 महीने बाद, ठीक है, या जब उसका साइकिल होगा, बिल साइकिल, तो ये मुझे 1150 रुपये में पड़ा। ठीक है, और कुछ सुपर कॉइन्स जो मिलते हैं ऑर्डर पे वो तो मिले ही, खैर तो देखते हैं। ये देखो लाइट जल गई। एक बात और, ये रियलमी लिंक ऐप से वर्क करेगा, सबको पता है। ठीक है, तो क्योंकि डीजो वॉच तो डीजो ऐप से काम करता है, लेकिन मेरे पास रियलमी बड्स, रियलमी वायरलेस, देखो गलत हो गया ना, डीजो वायरलेस पहले से है, तो
तो मेरे पास रियलमी लिंक ऐप है, जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लेना। वो कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पहले तो ब्लूटूथ ऑन कर लेना, ब्लूटूथ ऑन है। अब आपको क्या करना है कि ये जो बर्ड्स हैं इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है? लोकेशन सर्विस ऑन करना है क्योंकि लोकेशन सर्विस चाहिए इसको सर्च करने के लिए, तो आप लोकेशन सर्विस ऑन कर देना, ठीक है? लोकेशन ऑन है। अब ऑडियो में जाएंगे, और डीजो बर्ड्स सी पे क्लिक करेंगे, ठीक है? हल्का कुछ गलत हो गया, एक मिनट फिर से करके देखते हैं। तो वो क्या गलत हो गया था कि पहले आपको अपने ब्लूटूथ से नॉर्मली कनेक्ट करना है और फिर ऐप में जाना है, तो वो एक छोटी सी गलती हो गई। तो देखते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर लिया मैंने, अब इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ वो शो होता है या नहीं, ठीक है? तो रिफ्रेश कर रहे हैं, ओके। तो फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया क्या प्रॉब्लम थी। ये प्लास्टिक के रैप्स लगे हुए थे बैटरी लाइफ कंजर्व करने या जो भी, तो इन रैप्स को आपको ईयरबड से हटाना है, ठीक है? ये याद रखना, नहीं तो वो कनेक्शन होगा ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि एक्टिव हुआ या नहीं। तो ये देख लो, ये एक छोटी सी गलती भी हुई और ये भी नहीं रहा। तो देखो अब डीजो बर्ड्स जी शो हो रहा है, तो इसको टच करेंगे, ठीक है? अलाउ करेंगे, नहीं तो कॉलिंग वगैरह कैसे आएगी। अब पेयर करेंगे, पेयर हो गया, ठीक है? अब देखते हैं कि रियलमी लिंक ऐप पे कैसे ऑन होगा। तो ये ऐप की लिस्ट है, यहाँ पे रियलमी लिंक ऐप ओपन करेंगे। ये कनेक्ट होने के बाद देखो, नहीं बैक से स्टार्टिंग से देखते हैं। कनेक्ट होने के बाद देखो, ये ढूंढ लिया इसको दूसरी बात, लेकिन आपको ये प्लस आइकन है ना, उस पे जाना है, ठीक है? फिर ऑडियो पे जाना है, फिर सबसे लास्ट में डीजो बर्ड्स दी है उस पे जाना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट करना है, फिर वो सर्च करेगा डीजो बर्ड्स जी। मेरा वाला क्योंकि मिल चुका है इसको पहले ही और वो कनेक्ट हो गया है, इसलिए यहाँ दोबारा शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका आएगा तो यहीं पे शो होगा और फिर वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो डीजो बर्ड्स जी आ गया, और लेफ्ट का 100% राइट का 100% है। इसलिए जो रियलमी लिंक ऐप है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कोई भी रियलमी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको ऑडियो प्रोडक्ट जो इसको सपोर्ट करता है, तो ये ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। क्विकली देख लेते हैं इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। देखो पहले तो लेफ्ट राइट का बर्ड्स का बैटरी परसेंटेज शो करेगा, उसके बाद तीन तरह के साउंड इफेक्ट्स जो डीजो वायरलेस में भी थे, बेस बूस्ट प्लस, डायनामिक और ब्राइट। ऑटोमेटिकली ये डायनामिक पे होता है, और आप बेस बूस्ट करोगे तो बेस बढ़ जाएगा, और ब्राइट करोगे तो साउंड ज़्यादा आएगी और म्यूज़िक कम हो जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम इन्हेंसर है, हल्की सी वॉइस बूस्ट होती है। ये गेम मोड है, वो जो 88 मिली सेकेंड की लेटेंसी था वो इसी से एक्टिवेट होता है। ये ऑटो आंसर है कि अगर आप एक भी ईयरबड चार्जिंग केस से निकालोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी। इसको मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि कभी कभी गलती से हो सकता है ना। आप इसको ऑन भी रख सकते हो अपने हिसाब से। अब ये बटन सेटिंग है, बटन सेटिंग क्या है कि आप इस पूरे को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जितनी भी इसकी फीचर्स हैं,
डबल टैप में अभी ये प्ले पॉज है, ट्रिपल टैप में नेक्स्ट ट्रैक है, ठीक है, लेफ्ट ईयरबड्स में, और टच एंड होल्ड में ऑफ है। वैसे ही राइट ईयरबड में डबल टैप पे भी प्ले पॉज है, ट्रिपल टैप में नेक्स्ट ट्रैक है, और लेफ्ट एंड लेफ्ट प्लस राइट मतलब दोनों को एक साथ टच एंड होल्ड करोगे तो गेम मोड होगा। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मान लो आप गेम मोड नहीं करते तो इसको ऑफ कर दो, है ना। टच एंड होल्ड का ऑफ है तो आप इसको प्रीवियस ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट, स्विच डिवाइसेस किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली फंक्शनैलिटीज़ सब टेस्ट करके अगले इसमें देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो ये था कि रियलमी लिंक ऐप ज़रूर डाउनलोड करो। मैंने डीजो वायरलेस के भी वीडियोज़ में बार बार बोला है कि ये काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ ऑन कर देती है, और सबसे अच्छी बात ये लेफ़्ट राइट ईयरबड्स की अलग अलग बैटरी परसेंटेज दिखाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये रियलमी GT मास्टर एडिशन से वीडियो शूट हुई है, उसी के माइक पे वॉइस कैप्चर हुई है। तो बताओ कैसा है पूरा एक्सपीरियंस, और आपको आइडिया भी लगेगा, ठीक है। चल बाय।